इटावा के उसराहार थाना इलाके में 13 जनवरी की शाम सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा व्यापारी अंगद के साथ बाइक सवार तीन लुटेरे 7 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण भरा थैला और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि लूट के मामले में इटावा पुलिस ने 120 घंटे के भीतर घटना में शामिल दो लुटेरों को सरसई नवर तिराहा से वाहन चेकिंग के दौरान लूट के सामान और असलाह समेत गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में लूटे गए आभूषण खरीदने वाले एक सराफ व्यापारी ब्रिजेश को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में मुख्य लुटेरा रामू अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। एक्चुअली वो लूट की घटना नहीं थी, वो एक ट्रक खड़ा था 116 नंबर जो एक्सप्रेसवे है आगरा एक्सप्रेसवे पर चौबिया थाना अंतर्गत, उस पर ट्रक खड़ा था। वो चूंकि उसको नींद आ रही थी, ड्राइवर वहां खड़ा कर दिया था, तो उसका शीशा जो साइड्स का साइड स्क्रीन होती है उसका खोल करके 50,000 रुपये जैसा कि FIR में दर्ज है उसने बताया था ड्राइवर ने, 50,000 रुपये उसका राजस्थान का ट्रक था वहाँ खड़ा कर दिया था 50,000 रुपये। 15 जनवरी की रात की बात है, 14 और 15 की जो मध्य रात्रि होती है उसमें घटना हुई थी, और उसमें हमारी पुलिस की टीम जो चौबिया की लगी हुई थी और सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी, उसमें दो बदमाशों को हमने पकड़ा है इसमें, जिन पर 5,000 का इनाम भी है, दोनों पर 5,000 का इनाम है, जिसमें संदीप नागर मुख्य अभियुक्त है और वो एक अर्टिगा गाड़ी मांग के लाया था, उसी से वो चलते हैं, और जो हाईवे पर कोई ट्रक खड़ा है उसको टारगेट करके उनके पास इक्विपमेंट रहते हैं, उसको शीशा खोल करके या जो भी है चुप्पे से आदमी सोता हुआ देखते हैं उसको पैसा निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह का गैंग है, इसमें दो लोग पकड़े गए हैं और दोनों पे 5,000 रुपए का इनाम भी है। ये लोग यहीं पर काशीराम कॉलोनी के रहने वाले हैं दोनों, संदीप नागर उसमें मुख्य अभियुक्त है, उसके पास से 6,000 रुपए के आसपास बरामद भी हुआ है, एक तमंचा भी बरामद हुआ है, एक अर्टिका गाड़ी बरामद हुई है तथा एक चाकू भी बरामद हुआ है। तो दोनों अभियुक्तों को हम विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस गैंग के क्या और भी सदस्य अभी फरार हैं जिनकी पुलिस को तलाश है? अभी हमने जो पूछताछ किया है प्राथमिक रूप से उसमें ऐसा लगता है कि 2-3 लोग और भी इस तरह के कार्य करते हैं, हालांकि वो अलग अलग गैंग से कार्य करते हैं, उसमें इस गैंग से संबंधित नहीं है, लेकिन उसने जरूर बताया कि सर हमारे तरह के ही और लोग भी हैं जो ऐसे हाईवे पर ट्रकों को जो रुके होते हैं या कोई गाड़ी कोई सो रहा है तो उसको टारगेट करके चुप्पे से उसको खोल लेते हैं उसका शीशा, और जो भी कोई ऐसी मूल्यवान चीज होती है या पैसा होता है उसको निकाल लेते हैं।